नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरियाणा चल में। दोस्तों आज हम पहुंच रहे हैं नरवाना, जहां पर किसानों के लिए चाय पानी का प्रोग्राम कर रखा है, जो कि नरवाना रोड पे है। मैं नरवाना रोड और यहां पर किसान जो तीन कानून है उसके विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी किसान यहाँ से आते जा आ रहे हैं उनके लिए चाय पानी का प्रोग्राम है और हमारे साथ यहाँ भाई है, भाई इनसे बात कराएंगे। राम राम भाई। राम राम भाई जी। भाई ये कितने दिन से कर रहे हो आप? भाई जी कम से कम ये लास्ट 25 दिन से चला हुआ है जी। 25 दिन से? हाँ जी सर। यहाँ जैसे आप सुबह चाय कितने बजे लाते हो? सर सुबह यहाँ पे स्टार्टिंग होती है 7:30 बजे करीब स्टार्ट हो जाती है जी, और जो करीब पूरा दिन चलती है, चाय का प्रोग्राम पूरा दिन रहता है, उसमें साथ में जी लंगर पानी की व्यवस्था, खाने की भी व्यवस्था। हाँ, खाने की व्यवस्था भी साथ में। दिन में कितने के लोग आते हैं यहाँ पर? सर एस्टिमेटली यहाँ पे 1500 लेके 2000 के बीच में हर रोजाना दिन 2000 लोगों का खाना बनाते हैं। हाँ जी, हर डे पर दिन। पंजाब से कितने के लोग आते हैं यहाँ से? आते पंजाब से कम सर आप मान के चलो 1000 से लेके 1200 के बीच में हर दिन रहता सर। पंजाब का पूरा यहीं से? जी 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 जी, यही रास्ता है जी बिल्कुल। और इसका जैसे जो खाने का पूरा खर्च है, इसका खर्च कौन उठा रहा है? सर इसका हमारे आदरणीय भाई, बड़े भाई विशाल मिर्धा जी और हमारे बड़े भाई पुनिया जी है, जिन्होंने उनके शौक से चलाया गया है। द्रवेश पुनिया जी है, उनका बड़ा शौक रहा है। द्रवेश पीछे कुछ दिन पहले द्रवेश पुनिया भाई ने कहा 51,000 रुपये की राशि यहाँ पे दी थी और आगे भी ये कहा था कि जितना भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट हो पाएगा और जब तक ये आंदोलन चलेगा हम इसके साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। और जो नरवाना से किसान है उनका कितना योगदान है इसमें? सर जैसे नरवाना से आस पड़ोस के जो भी गांव है हर एक बंदा यहाँ पे कोऑपरेट करता है। जैसे यहाँ पे सब्जी की व्यवस्था, कोई सब्जी देके जाता है, चीनी पत्ती जो भी व्यवस्था बनती है, जितनी भी किसी से कोई हेल्प हो सकती है उतना ही सर यहाँ पे लोग कोऑपरेट करते हैं। अभी मतलब अपना हेल्प कर रहे हैं जी सर। अगर ये आंदोलन जैसे लंबा सर जैसे आंदोलन लगभग कितना लंबा खींच जाओ सर, जहाँ हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाइयों ने बोला है भाई हम जब तक आंदोलन चलेगा जब तक ऐसे भंडार चलता रहेगा, ऐसे भंडार नियमित रूप से भंडार चलेगा सर बिल्कुल। भाई जी एक भाई से बात कर, राम 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 जी। जो ये आंदोलन चल रहा है जिसके बारे में आपने लंगर लगा रखा है, इसके बारे में बताओ जी। ये किसानों की सेवा के लिए जब तक आंदोलन चलेगा जब लोग लंगर लगा रहेगा जी। ये मतलब जब तक चलेगा लंबा चलेगा तो लंबा भी सेवा में जुट रहे हैं जी हम तो। सेवा में लगे हाँ। और यहाँ से कितना सहयोग मिल रहा है आपको यहाँ के लोगों का? पूरा सहयोग है नरवाना के लोगों का। राम राम भाई। राम राम मेरे भाई। भाई जो ये आप लोगों के लिए, जो किसानों के लिए खाना लगा रखा है, लंगर लगा रखा है, इसके बारे में बताओ कुछ। ये भाई सब पूरे नरवाना की तरफ से सहयोग हो रहे हैं और जितने यहाँ से पंजाब से किसान आते हैं, हरियाणा के किसान आते हैं, उनके लिए तब तक लगाएगा जब तक ये तीन काले कानून देश वापस नहीं होते। आपको क्या लगता है सरकार मानेगी इनको लेकर? नहीं मानेगी, किसानों ने मन बना रखा है, जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक अपना दिल लगा के दिल्ली की डेरा डाले रखेंगे। जब तक सरकार नहीं मानता किसान ऐसे ही मतलब अपना मन बना के वहाँ बैठे हैं, जितने तीन काले कानून वापस नहीं होते इतने लगातार चलेगा ये। और कुछ संदेश देना चाहते हो किसान भाइयों को? किसान भाइयों को ये संदेश है, जो कल 25 तारीख को मोदी वो संदेश देगा उसका विरोध करें और उसको काले झंडे दिखाने का काम करें। दोस्तों आप देख सकते हैं जो नरवाने के अंदर ये लंगर लगा रखा है, ये लगातार 20-25 दिन पहले से लगा रखा है और जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा तब तक ये लंगर ऐसे ही लगा रहेगा। आप देख सकते हैं सभी किसान हैं जो पंजाब से या जो हरियाणा की तरफ से आए हैं, जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उन सभी के लिए चाय लंगर प्रोग्राम कर रखा है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हरियाणा चल के साथ।